और दोस्तों, जब मैं आपको मुर्गा बता रहा था, सील जो ज़िबा किया गया, वो ये पड़ा हुआ जी, बीमार हो गया था तो उसको ज़िबा करना पड़ गया। अभी ज़िबा किया इसको हमने, तो बस फिर अब ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का भी लोग करते हैं जी शुरू, और आज हम जाएंगे जी इंशाल्लाह अपने मास्टर केज का सामान लेने के लिए। मास्टर केज के सामान की तैयारी भी आपको दिखा देता हूँ, आपको भी नज़र भी आ जाएगा। मैंने उसमें काफ़ी सारा काम कर भी लिया, कुछ मुर्गे भी मार थे, वो भी आपको बताता हूँ आगे वीडियो में, दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में इंशाल्लाह। और वो जो सीन हुआ है, कुछ बीमार थे, कुछ ज़िबा करने पड़े उनमें से, वो भी आपको भी डिटेल देता हूँ। और ये देखें जी, मास्टर केज के लिए ये ईंटें, सीमेंट वगैरह, ये प्लस्तर करवाया गया जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ ये दीवार होगी पीछे, यहाँ ऊपर ये देखें मास्टर के, यहाँ जो मैंने जगह बनाई हुई थी, यहाँ रखा हुआ था सारा कुछ, यहाँ से उठा लिया गया। ठीक है जी, इसके लिए अब आज हम मार्केट जाएंगे इंशाल्लाह, मास्टर केज का लेके आएंगे जी सामान, और मास्टर केज का काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा कल से या परसों से, जैसे ही वो भाई आएंगे। उनको मैंने बोल दिया, वो भाई आके मास्टर केज का काम भी स्टार्ट कर देंगे। हम आ चुके हैं जी मार्केट, जो आपको मास्टर केज का सामान बताया था वो लेने के लिए। और ये भाई देख रहे हैं सामान जो हमने लेना है अभी, तो इसमें कोई एंगल वगैरह देख रहे हैं, इसमें कोई चादर है वो भी डिसाइड कर लेंगे, वो बाहर से मिल जाएगी। ये दुकान वाले बाबा जी हैं जिनसे लेना है, बाकी भाई बाहर बैठे हुए हैं। ये भाई जो हमारा काम करेंगे वो वाला, और तो अभी बाकी इनके पास और भी काफ़ी सामान है जो हमें चीज़ चाहिए थी, हम वो देख रहे हैं अभी अभी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे और जाके इंशाल्लाह अपने मास्टर केज का काम करवाएंगे स्टार्ट। और ये जो एंगल डिसाइड किए गए हैं इसके लिए, जो मास्टर केज बनना है उसके लिए, ये निकाले जा रहे हैं जी एंगल इसमें से, और ये वो भाई लेकर जाएंगे अब बाहर। और एक बताउनी ते बता ला वीर, छोटी रखनी से। ये जा रहे हैं जी बाहर, और अभी हम इनके साथ ही बाहर भी जाते हैं, देखते हैं ये क्या सीन है क्या नहीं, और चीज़ पसंद आ भी गई है और रेट भी हो गया, अभी हम लेके जाते हैं इंशाल्लाह इनसे। और दोस्तों, ये चादर जो हमने ली है वो जी, ये सामान है उसके एंगल वगैरह, ये चादर है, ये भाई बैठे हुए हैं, इनसे हमने ली है। और अभी हम जाएंगे जी वापस घर, ये सामान खुद ही लोड करवा के भाई ले आएंगे, भाई को एड्रेस का पता, घर पहले भी सामान लेके गए हैं भाई, भाई पहुंच जाएंगे घर खुद ही अभी जाएंगे। जो बाकी का सामान है हार्डवेयर की किसी शॉप से लेना है वो लूँगा जाकर, और उसके बाद फिर ये काम हो जाएगा हमारा स्टार्ट आज इंशाल्लाह। सामान लेना था वो ले लिया हुआ हमने, और अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह घर, मास्टर केज का काम आज हो जाएगा इंशाल्लाह जी स्टार्ट। अभी एक साइड बनानी दोनों थी, वो जो नई दीवार बनी है घर के साथ वो तो नहीं बना सका मैं, और अभी हम जाएंगे घर इंशाल्लाह, और ये भाई जाकर खुद ही जाके सामान बांध लेंगे। बोतल भी पिला, भाई कह रहे हैं बोतल पिलाओगे भाई, तो बोतल भी पिला देंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं ऐसी, बोतल भी भाई तो पिला दूंगा। लेकिन अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह वापस, और जाकर फिर ये सामान वगैरह उतरवाएंगे भाई, फिर मास्टर केज का काम काम कितों स्टार्ट करना काका भाई, काम कितों स्टार्ट करना तो यार आज ही कर दो। ये भाई कह रहे हैं काम करूँगा मैं कल से स्टार्ट, और आज बस आप ये सामान लेकर जाओ, और अभी सामान पूरा करते हैं, बाकी का भी सामान लेकर जाना, वो भी आपको वीडियो साथ में दिखा दूँगा। लेनी थी वो भी हमने लिए हैं, वो ये पड़ी हुई है अभी जाली, इनमें से डिसाइड कर रहे हैं कौन सी लें, बाकी जो बोल्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली हुई हैं, वो भी अभी भाई ले आते हैं। बाकी कुछ और रही थी, एक दो चीज़ें थी वो मुझे इनका कुछ भी नहीं पता, वो भाई ने ले लिया, वो भाई दोस्त हैं जानने वाले हैं, इनसे हमने ये काम करवाया। बाकी अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है घर जाकर, बाकी सामान था फोन आया वो भी आ गया, वह जाकर उतरवाते हैं उसको भी, और आपको फिर दिखाता हूँ आगे इंशाल्लाह आगे का भी सीन। तो ये सामान आ रहा है,
ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ और दोस्तों ये आ चुका है जी हमारा सामान छत के ऊपर मुकम्मल, ठीक है जी। और अभी जो डिसाइड हुआ है वो ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम बनाएंगे जी जो अपना मास्टर केज स्टार्ट करेंगे इस साइड से। अभी जो इधर हमने पहले चादर वगैरह लगाई हुई थी वो मैंने उतार ली है, ये ईंटें वगैरह आ गई हैं, ये कर लिया जी प्लस्तर खुड्डा हमने अपना, ये सारा इस जहाँ तक मास्टर केज बना था अभी तक यहाँ प्लस्तर हुआ और ये सारा भी प्लस्तर घर हो चुका है। और ये जो मास्टर केज अभी बनाना है हमने उसके लिए जो जगह फ्री हुई है उसके लिए ईंटें इधर ईंटें आ चुकी हैं जी ये। और ये हमारी एक डग जो रह गई है, एक डग भी जो है हमने सेल कर दी थी, ये इन एक दो दिनों में बहुत कुछ हो चुका है जो समझ भी नहीं लगी थी, यहाँ पता भी नहीं चला था कि ऐसा हो सकता है। एक डग भी सेल की है मैंने, वो जो मेल था आपको बताया था सेल करूंगा या रखूंगा कुछ भी ऐसा सीन, एक सेल कर दिया गया मेल वाइट वाला, अभी ब्लैक वाला पड़ा होगा। मेरा असील मुर्गा वो अभी ज़िबा करना पड़ा, बीमार हो गया था, ब्लैक वाली मुर्गी भी मर गई है। असील मुर्गे की तो मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले, जो एक वाइट वाला है वो भी ज़िबा करना पड़ गया, वो भी बीमार हुआ था, उसकी मैं वीडियो भी नहीं बना सका असील की, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और ये बस ये दो तीन दिनों में बहुत सारे हादसे हो गए हैं, समझ ही नहीं आई कि ये कैसा हो गया मुझे ना एकदम से, कोई वबा, ये वैक्सीन भी करवा ली है मैंने मुर्गियों को सारियों को, बस इन्हीं चक्करों में था मैं व्लॉग भी नहीं बना सका, टेंशन इतनी हो गई थी जानवर परिंदों के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए मास्टर केज का काम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सारे के सारे इसमें से मैंने निकाल कर पिंजरे में से ये वॉशरूम में, आ चल 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 चल, ये वॉशरूम के अंदर मैंने भी सारे बंद किए हुए हैं। अभी इनको अगर अभी मैं खोल लेता ना तो इन्होंने बाहर आ जाना था, अभी मैंने जाना है एक जगह पे फीमेल पता करने के लिए अपने ये डग के लिए, ये जो मेल है इसके लिए फीमेल पता करने जानी है। और दोस्तों जब मैं आपको मुर्गा बता रहा था सील जो ज़िबा किया गया वो ये पड़ा हुआ जी, बीमार हो गया था तो उसको ज़िबा करना पड़ गया, अभी ज़िबा किया इसको हमने, तो बस फिर अब ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है क्या कह सकते हैं। तो ये था जी आज का मिनी व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा कर लाकर सर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं।